बिरयानी बच्चों, चिकन बच्चों, अच्छे से स्वस्थ है ना, और सब घर में सुरक्षित रहे, ठीक है। घर से बाहर नहीं आना है, अच्छे से घर में लेक्चर करना है, ठीक है बच्चों। पढ़ना है अच्छा और लिखना भी अच्छा अच्छा है। देखो मैंने आपको जो है हिंदी में व्याकरण चैप्टर टू करवा दिए थे, भाषा व्याकरण और दूसरा था वर्णिचार, ठीक है। इसके बाद हम हिंदी जो हमारी हिंदी की बुक है उसमें जो है हम जो अपने चैप्टर फर्स्ट हम भारत के भरत, हम भारत के कौन है, भरत है, अर्थात राजा दुष्यंत जो थे, राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था, जो वीर थे, तेजस्वी थे है ना, और तो ऐसे महान पिता के पुत्र यानी राजा दुष्यंत के पुत्र जो थे वो भरत थे। तो ही भरत के नाम पर जो है हमारा भारत पड़ा, और इसके चैप्टर के बारे में हमने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो है भरत शेरों की संतान से खेलते थे, कभी डरते नहीं थे है ना, और हमारे देश में जो है जो भी महान जो भी बड़े बड़े तपस्वी वीर सैनिक जिन्होंने भी जन्म लिया वो हीरे के समान था, यानी हमारी धरती पर जो भी जन्म लेता है वो एक हीरे के समान है, और जो है जो देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इस प्रकार हमारा जो हिंदुस्तान है वो हमारा हिंदुस्तान जो है वो हर देश से कितने भी देश है सबसे बढ़कर हमारा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान जैसा और कोई देश दूसरा नहीं है। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो पढ़ता था कि हम अपनी धरती माँ को, हमारी धरती माँ हमें क्या है अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है ना। मैंने जब और आपको मैंने ये भी बताया था कि हम जो है इसके लिए खूब मेहनत करें, परिश्रम करें, तो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो है इसमें बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको सबसे पहले छोटे जो प्रश्न है इसके उसके बारे में बताती हूँ कि जो छोटे प्रश्न है इसमें सबसे पहले सोचे और बताए, सोचे और बताए में पहला प्रश्न पढ़ रहा है कि भारत किससे खेलते थे, भरत किससे खेलते थे बच्चों। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि भरत शेर की संतानों के साथ खेलते थे, भरत किससे खेलते थे बच्चों, भरत शेर की संतानों के साथ खेलते थे। अब हमारा दूसरा प्रश्न बन रहा है कि पुरखों की सौगात क्या है, हमारे जो पुरख में क्या देखे गए सौगात में उपहार क्या देखे गए, हमें क्या भेंट देखे गए पुरख, तो पुरखों की सौगात क्या है। मैंने जब आपको बताया पढ़ाया था बताया था कि साहस और वीरता, हमारे जो महान थे हमारे जो बड़े थे हमारे जो बड़े बड़े महान थे उन्होंने जो है हमें साहस और वीरता क्या दी, साहस और वीरता पुरखों की सौगात है, यानी पुरखों ने हमें क्या दिया है, पूर्वजों ने हमें क्या दिया है, साहस और वीरता, साहस और वीरता हमें पुरखों ने दी है, अर्थात उन्होंने हमें ये उपहार दिया है, भेंट दी है। पुरखों की सौगात क्या है, साहस और वीरता पुरखों की सौगात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें जान से प्यारी क्या है, हमें जान से प्यारी बच्चों क्या है, हमें जान से प्यारी मातृभूमि है, हमें जान से प्यारी मातृभूमि, जान से प्यारी मातृभूमि अर्थात धरती माता है, ठीक है, जिसमें हमने जन्म लिया है। अच्छा इसके अलावा आपके अब छोटे प्रश्न बन रहे हैं जो सही उत्तर के आगे सही और गलत तो आप बुक में लगा लो कि सौगात का अर्थ क्या है, सौगात का अर्थ क्या होता है बच्चों, सौगात का सोगरा नहीं होता, सागर नहीं होता, सौगत नहीं होता, सौगात का अर्थ होता है उपहार, क्या होता है उपहार। जब मैंने आपको शब्दार्थ रखा थे तब मैंने अर्थ बताया था सौगात का कि सौगात का अर्थ उपहार है ना। एक दूसरा ख बन रहा है, इसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें हमें राइट लगाना है कि एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है, एक वर्ष में बच्चों कितने महीने होते हैं, 12, कितने महीने होते हैं एक वर्ष में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, आपको पता है कौन से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 पे राइट लगाओगे, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन बन रहा है पहला क्वेश्चन ये बन रहा है और फिर ये दूसरा बना, अब ये कहे कि इस कविता में वे पंक्तियां छांटकर लिखो जिनका अर्थ है, इस कविता में से वे पंक्तियां छांटकर लिखो जिनका अर्थ है, मतलब वो पंक्तियां बता दी हैं इन्होंने हमें अर्थ लिख के
ये दिया है, इन्होंने हमें अर्थ दिया है, हमें वो वाली पंक्तियां बतानी है। तो इन्होंने पहला कह दिया है चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है, चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। तो इसकी पंक्तियां कौन सी होगी बच्चों? बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। तो इसकी पंक्ति ये वाली आएगी, ठीक है बच्चों। अब इसमें ख वाला है, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। तो इसकी कौन सी आएगी पंक्ति? सदियों से बनते आए हैं, सदियों से बनते आए हैं हम बनने इतिहास के। तो ये वाला आएगा कि हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं, इसकी ये वाली पंक्ति आएगी, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। अब कहते हैं कौन था ये ख? अरे ग वाला देखो, हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं, हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं, इसमें कौन सी पंक्ति आएगी? तो इसमें आएगी, यह धरती जो माँ है अपनी, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, ठीक है बच्चों। अब ये ख वाला आएगा, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है, इसमें कौन सी पंक्ति आएगी कि कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है? इसमें ये वाली आएगी, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। तो ये मैंने आपको जो है इसके पहले सबसे छोटे फिर मल्टीपल चॉइस मैंने आपको बोल के बता दिए, उसके बाद ये खाली ये जो है पंक्तियों वाला ये मैंने आपको लिखा है। तो आप जो है इसके बाद जो बच्चों आपके बड़े प्रश्न है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। इसमें है हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है, क्या बात है आपको पता है कि हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात इस भारत भूमि में जन्म लेना है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। आप जो है इसके ये क्वेश्चन आंसर जो है ये जितना मैंने लिखा है इसको आप वापस, सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था, उससे मैंने पूरा चैप्टर कविता पूरी लिखी थी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक परचेज करिए, है ना, बुक खरीदेंगे जब भी तो आप पढ़ेंगे। मैं पूरी कविताएं जो है फर्स्ट टाइम लिखा है कि आपके पास बुक नहीं, अब आप बुक परचेज करो और जब बुक परचेज करोगे तभी आप जो है पढ़ पाओगे। तो आपको जो मैंने कविता लिखी है तो आप वो कविता लिख लेना, उसके बाद शब्दार्थ करने हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, बाकी ये क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। बच्चों आप जो है आप ये बुक्स जो है जब आप परचेज करोगे तब आप अच्छा पढ़ पाओगे, क्योंकि हम जो है ऐसे पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। आप बुक ले लीजिए, बुक ले सकते हैं आप जब भी, और बुक लेकर आप इसको और अच्छे से तैयार करेंगे, तो ठीक है बच्चों। तो आपके सुंदर सुंदर राइटिंग में प्रश्नों के उत्तर लिखना और हिंदी की कॉपी में, मैंने बता रखा है हिंदी की दो कॉपी बनानी है, एक व्याकरण के लिए, तो इस वाली कॉपी में आप हिंदी वाली में क्वेश्चन आंसर लिखोगे सुंदर सुंदर राइटिंग में और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करोगे, ठीक है बच्चों। तो सुंदर सुंदर लिखो, अच्छा अच्छा पढ़ो और घर में सुरक्षित रहो, हम जो है बाहर नहीं निकले, हमें अपनी सुरक्षा करनी है, हमें जो है अपने आप को बचाना है, स्वस्थ रहना है और बीमार नहीं पड़ना है, बाहर नहीं निकलना है, अच्छा अच्छा पढ़ना है और अपने से बड़ों का कहना मानना है और अच्छे अच्छे बच्चे बनना है, ठीक है बच्चों। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से बात करो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो, ठीक है। ओके बच्चा, थैंक यू।